नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग बच्चों के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने सुदर्शन चक्र कोर भोपाल के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सी मैक्सन से की सौजन्य भेंट। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने आज भोपाल में टर्की के ट्रैबजॉन में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में शामिल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पण संस्था को प्रदान की गई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस दिव्यांग बच्चों को समर्पण संस्था तक लाने ले जाने का काम करेगी। समर्पण संस्था दिव्यांग बच्चों के उपचार और शिक्षा के लिए कार्य करती है। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 15 जुलाई से शुरू किया गया है। अभियान में शुरू के चार दिन राज्य स्तर पर की गई कार्यवाही में अवैध शराब बिक्री के 3,448 प्रकरण दर्ज कर 3,568 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभियान में 88 शराब ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश को जल्दी एक और एकेडमी की सौगात मिलने वाली है। प्रदेश की खेल उपलब्धियों को देखते हुए भविष्य में राष्ट्रीय रोइंग एकेडमी की शुरुआत की जाएगी। इस सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी सिंहदेव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज विधानसभा में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में अरुण पंड्या, मेजर चंद्रन, कर्नल पाठक, रोइंग में एशियाड में स्वर्ण पदक विजेता सुबेदार बजरंगलाल उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को रियायतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में इन छात्रों की फीस पूरी तरह से माफ होगी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की फीस माफ किए जाने की विभाग की ओर से की जाएगी प्रभावी पहल। स्कूल शिक्षा मंत्री आज भोपाल में ट्रैबजॉन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। टर्की में जिमोसाइट 2016 का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खिलाड़ियों ने कराटे में 5 रजत, 4 कांस्य और कुश्ती में 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को निर्णय लेते समय कठोर स्वभाव में मिलनसार होने की आवश्यकता है। ये बात उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2015 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से कही। आर्य ने आज प्रशासन अकेडमी में प्रशिक्षु अधिकारियों से मिलकर उन्हें कुछ उपयोगी टिप्स भी दिए। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें आप हमारी वेबसाइट के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।